रघुनाथपुर प्रखंड प्रमुख ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण। मेनू के हिसाब से नहीं मिलता छात्राओं को भोजन, वार्डन रही गायब। रघुनाथपुर प्रखंड प्रमुख विनोद कुमार सिंह अपने पंचायत में चल रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कड़सर का औचक निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सबसे पहले बच्चों के लिए बनने वाले भोजन को देखने के लिए किचन सेट की ओर बढ़े। भोजन बनाने वाली रसोइयों से जानकारी ली तथा गुणवत्ता के विषय में जांच पड़ताल किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। रसोइयों ने रोते हुए कई आरोप लगाए। कम सामान में ज़्यादा दिन तक काम करने की प्रताड़ित किए जाने का मामला उजागर हुआ। 71 छात्राओं का नामांकन है और जांच के समय मात्र 40 छात्राओं का खाना बन रहा था, जो नियमानुसार नहीं था। बच्चों ने बताया कि सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम में भोजन में भी मेनू के अनुसार नहीं मिलता है। मौके से वार्डन गायब पाई गई। श्री सिंह ने बताया कि विद्यालय में लेखापाल अशोक कुमार मिश्रा मात्र उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में 40 छात्रा उपस्थित थी, जबकि नामांकन 71 छात्राओं की थी। मौके पर BDC बुच्ची देवी, मुखिया शर्मा रजक, रघुनाथपुर BDC धर्मेंद्र चौरसिया, पिंटू सिंह आदि मौजूद थे। रघुनाथपुर से प्रसेंजी चौरसिया की रिपोर्ट। मारने लगती है, बोलो सही बात है तो डरती है। इसमें दो टाइम का सब्जी बनता है। एक पैकेट कितना, कौन पैकेट ला कर दिखाओ तो, एक महीना कौन चलता है? कौन सी पैकेट है? एक महीना खाती है वो 40 रुपया आता है अपन सर। एक लड़का मंजन के लिए है, जो देना है, सब कुछ देना है। निकालिए, हमको 20 रुपये का लिए ना। अरे काहे सर बात करते हैं? मैंने सब कुछ जो है वो कीजिए ना, तो अभी बोलवाएंगे जो साहब आ रहा, अभी सारा काम वहाँ पर निकाल देंगे। आप लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? लिस्ट निकालिए ना, हमको लिस्ट दीजिए ना कि क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना। एक टाइम का सब्जी दो टाइम बनाया जा रहा है, तेल लिया तो बनी, तेल का डिब्बा लाओ तो, सब मसाला वसाला का लाओ, तुम लोग का खाना अब सही से रहना होना हम लोग पर। कितने बच्चे हैं टोटल? सलाद मिलता है बच्चों? नहीं मिलता उसके बाद? मारने लगती है, बोलो सही बात है तो डरती है। इसमें दो टाइम